काली एंड द रेड स्नैक द स्टोरी काली एंड द रेड स्नैक इज रिटन बाय जाई विटाकर। कहानी काली एंड द रेड स्नैक जाई विटाकर ने लिखा है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब ऑफ तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यह कहानी एक लड़के की है जिसका संबंध तमिलनाडु के तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट के इरुला जनजाति से है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नैक कैचर एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। इरुला जनजाति के लोग सांप को पकड़ने में मशहूर हैं, उसमें से काली के पापा सबसे बेस्ट हैं। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली सम वाट एबनॉर्मल इन द आई ऑफ हिज क्लासमेट्स, जिसकी वजह से काली और उसके पिता काली के क्लास के बच्चों के नज़र में सबसे सर्वश्रेष्ठ या अलग हैं। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। क्या काली अपने क्लास में फ्रेंड बना पाता है या नहीं, आगे हम लोग स्टोरी में इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। काली एक कटीले जंगल झाड़ वाले इलाके से बहुत ही धीरे धीरे अपने स्कूल की तरफ निकला। काली'ज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरुला ट्राइब। काली के पापा इरुला जनजाति में सांप पकड़ने में सबसे बेस्ट हैं। ही हैड काउट ओवर 100 कोबराज दिस मानसून एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। इस बरसात में काली के पापा लगभग 100 कोबरा पकड़ चुके हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें घर के लिए परिवार के लिए खरीद कर ला चुके हैं। द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक। सांपों की एक सहकारी संस्था हर जहरीले सांप के लिए ₹150 देती है। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नैक टू मेक एंटीवेरम सीरम। वे लोग सांप के जहर से एक दवा मेडिसिन बनाते हैं एंटीवेरम सीरम, जिससे सांप अगर किसी को डसता है तो वो दवा यूज़ किया जाता है। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines. जब काली अपने पापा के साथ सांप पकड़ने जाता है तो उसका पैर जो है मशीन की तरह काम करता है। But now he dragged his feet. लेकिन अभी वो अपने पैर को घिसेटते हुए लेकर जा रहा है। I hate school. He told the bushes as his walk got slower and slower. वो रास्ते में पड़ने वाले जंगल झाड़ से बोलता है कि मुझे स्कूल से नफरत है और धीरे धीरे बढ़ रहा है स्कूल की तरफ। एंड स्कूल हेट मी, और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बुशेज डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। जंगल झाड़ जो हैं उसकी बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही उसको सॉरी बोल पा रहे हैं। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल। लगभग 2 महीना हो गए मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए। बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। लेकिन अब तक एक भी मेरे दोस्त नहीं हुए हैं। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी इरुला आर वियर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग सोचते हैं कि इरुला जनजाति के लोग विचित्र होते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 things। क्लास के पहले दिन सभी बच्चों को 3 चीज़ क्लास में बताना था। हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड वाट देयर फादर डिड। अपना नाम, पिता क्या करते हैं, और गांव का नाम बताना था, वो कहाँ रहते हैं। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मेलूर, माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। मेरा नाम रामू है, मेरे विलेज का नाम मेलूर है, और मेरे पापा बस कंडक्टर हैं, पहले बच्चे ने कहा। देन केम सिल्वी, उसके बाद सिल्वी आई। देन केम सिल्वी औरथुर पोस्टमैन। मेरा नाम सिल्वी है, मैं औरथुर में रहती हूँ और मेरे पापा पोस्टमैन हैं। व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बैलून। और जब अब काली की बारी थी और काली जो है वो अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था इरुला ट्राइब होने की वजह से, और गर्व की वजह से वो बैलून की तरह से फूल रहा था।
आई एम काली, माई विलेज इज कंथूर, माई फादर इज़ ए स्नैक कैचर। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरा नाम काली है, मैं कंथूर का रहने वाला हूँ, कंथूर विलेज का, और मेरे फादर जो हैं स्नैक कैचर हैं। द चिल्ड्रेन गिगल एंड नग्ड वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे और एक दूसरे को किहनी मारकर मजाक उड़ाने लगे, ऐसा जैसे कि काली ने कुछ मजाक किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बींग एन इरुला। लाइफ में पहली बार काली को अपने इरुला जनजाति होने पर प्राउड महसूस नहीं होता है। ही विश्ड ही वेयर जस्ट लाइक अदर एन ऑर्डिनरी बॉय विथ अ बस कंडक्टर फादर। वो विश करता है कि काश वो भी एक ऑर्डिनरी पीपल होता, जैसे किसी के पापा बस कंडक्टर हैं उसके पापा भी बस कंडक्टर होते। एनी वे दैट वॉज 2 months ago। कोई ठीक है, इसके तो लगभग 2 महीने हो गए लगभग इन सब बातों के। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट, काली इन सब बातों के आदी हो गया है। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन ये भूलना आसान नहीं था। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और वो स्कूल की तरफ और धीरे धीरे चलने लगा। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग। काली जब स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो बेल बज रही थी। As usual, he sat in the back row alone, wishing he had friend। हमेशा की तरह वो अकेले सबसे पीछे बैठता है और ये दुआ करता है कि काश उसका कोई फ्रेंड होता। Wishing he could fail and be thrown out of school, और ये भी दुआ करता है कि काश वो फेल हो जाता ताकि स्कूल से उसे निकाल दिया जाता। But failing was not easy, लेकिन फेल करना आसान नहीं था। He had tried, but however badly he wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him। वो जितना भी कोशिश करता गंदा लिखने का, उसके टीचर उससे और ज़्यादा खुश हो जाते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम। आज बच्चों ने मैथ किया और राइटिंग का क्लास हुआ था, उसके बाद ये टाइम जो था वो ब्रेक टाइम हो गया। द चिल्ड्रेन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। बच्चे क्लास के बाहर अपने टिफिन खाने के लिए भागे। सम हैड इडली, अदर्स हैड मिक्सचर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स। कुछ बच्चों ने इडली लाया, किसी ने मिक्सचर, किसी के पास ब्रेड या किसी के पास 2 या 3 बिस्किट थे। ओह नो फ्राइड टर्मिट्स, ओह नो भुना हुआ दीमक, हिज फेवरेट एक्चुअली। ये काली का एक्चुअल में फेवरेट डिश था। बट वाट इफ समवन सॉ, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, काली ये सोच रहा है। ही हैव टू हाइड, वो अपने आप को छिपा लिया। ही सैट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर एंड फिनिश्ड हिज टिफिन। वो अपने आप को बाकी बच्चों से काफ़ी दूर ले जाकर एक दीवार पर बैठकर अपना टिफिन फिनिश किया। टर्माइट्स डिडेंट टेस्ट एज गुड हेयर एज एट होम। आज काली को फ्राइड टर्माइट्स घर में जितना टेस्टी लगता है वैसा नहीं लगा। सपोज समवन कम नियर मी, सपोज समवन आस्क व्हाट आई ब्रॉट, काली वॉन्डर्ड एनेक्सेसली। मान लो अगर किसी कोई यहाँ आ गया, मान लो किसी ने पूछ लिया कि काली तुम क्या लाए हो, काली ये सोचकर परेशान होने लगा। द बेल रैंग, ब्रेक वॉज ओवर, घंटी बज जाती है, टिफिन का टाइम ख़त्म हो जाता है। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश। टीचर सेम है जो फर्स्ट हाफ में थे, लेकिन सब्जेक्ट चेंज है, इंग्लिश का क्लास है। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट। बच्चों को अपने स्लेट पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखना है। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेक मिस्टेक। टीचर क्लास में छड़ी लेकर घूम रही है, एक बच्चे को हल्का सा छड़ी लगाती है जो मिस्टेक किया है। लक्की थाउट काली, लक्की दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। टीचर उस बच्चे के बारे में सोचता है कि वो बच्चा लकी है जो टीचर को गुस्सा कर सका। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू। वो भी कोशिश करने लगा गलत लिखने का। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बट इंस्टीड ऑफ अ स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑफ ऑन द बैक। टीचर काली को मारने की जगह उसका पीठ थपथपाते हैं। टीचर हेल्ड अप कालीज स्लेट फॉर द क्लास टू सी। टीचर काली का स्लेट बच्चों को, क्लास के दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए ले लेते हैं।
और बोलते हैं हेयर दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क, देखो ये काम करने का तरीका है। आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरी वन ही सेड, मैं सभी बच्चों से इसी तरह का वर्क चाहता हूँ, नीट एंड क्लीन। नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन एवर, अब तो काली के जो क्लास के बच्चे हैं उससे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लास रूम, काली बच्चों की फुसफुसाहट सुन रहा था। हीड नेवर हैव फ्रेंड इन स्कूल एंड हेट नेवर गेट किक्ड आउट, वो सोचने लगा कि वो कभी उसका क्लास में कोई फ्रेंड नहीं हो सकेगा और ना ही वो कभी स्कूल से निकाला जाएगा। कम्प्रिहेंसिव चेक नंबर वन आ गया है। कम्प्रिहेंसिव चेक वन टू और बाकी क्वेश्चन सर जब मैं चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद एक साथ बनाकर लिख करके आप लोगों को दे दूँगी। जस्ट देन समथिंग हैपन इन द रूम, अचानक उसी समय क्लास में कुछ हुआ। एट फर्स्ट काली डिडेंट अंडरस्टैंड इट, आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रैन, टम्बल्ड ओवर इच अदर, फेल रैन सम मोर। पहले तो काली को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, बच्चे इधर से उधर दौड़ने लगे, हाथ पैर उड़ने लगे, बच्चे एक दूसरे पर गिरने लगे। देयर वेयर शॉट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, बचाओ बचाओ मदद करो टीचर मदद करो। बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, लेकिन टीचर टेबल के नीचे है। आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, नाउ काली अंडरस्टूड, सभी बच्चों के हाथ और आँख जो है छत के तरफ इशारा कर रहे थे। अब काली को समझ में आ गया क्या एक्चुअली में हुआ क्या है। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रेड स्नैक, देखिए बच्चों ये जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि इस क्लास के छत पर जो बीम है उस पर सांप दिख रहा है। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रेड स्नैक, इट मस्ट हैव स्मेल्ड रेड्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम, बाई मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इन टू द क्लास इंस्टीड। वहाँ छत पर चूहा खाने वाला एक बड़ा सा सांप था जिसे धामन सांप कहते हैं, इसे ज़रूर छत के टाइल से चूहों की महक मिली होगी और उन्हीं चूहों के लिए आया होगा और गलती से रॉन्ग साइड में मुड़ गया और क्लास में आ गया होगा। कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नेक्स स्मेल्ड हुमेन एंड मिस्टूक देम फॉर रैट्स, काली के पिता ने कहा था कि कभी कभी सांप आदमी की गंध को चूहों की गंध समझ लेते हैं, हो सकता है उसने भी ऐसा ही सोचा होगा। वंडरफुल हेयर्स रूम फुल ऑफ रैट्स, द रैट स्नेक वॉज रैप्ड अराउंड अ पिलमिरा ब्रीम ऑन द रूफ, सांप को लगा होगा यह रूम तो चूहों से भरा हुआ है, सांप छत की बीम से लपटा हुआ था। इट्स स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली, और उत्सुकता से अपनी गर्दन बाहर निकाले हुआ था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय द ऑल द एक्साइटमेंट, और सभी को उत्तेजना से सरप्राइज होकर देख रहा था। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को बीम से और ज़्यादा खोलने लगा। काली लुकिंग अप न्यू वाट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इट डिड, काली ऊपर की तरफ देख रहा है, वो समझ गया कि आगे क्या होने वाला है और वैसा ही हुआ। धूप डॉन फेल द रैट स्नेक, धप की आवाज़ के साथ सांप नीचे गिरा। द नॉइज एंड कन्फ्यूजन ग्रू वर्स, शोर चारों तरफ और ज़्यादा बढ़ गई। चेयर्स क्रैश, कुर्सियाँ टूट रही थी। हेड बैंग, सर एक दूसरे से टकरा रहे थे। बॉडीज हिट, एक दूसरे में बॉडी टकरा रही थी। हिट्स इन द वॉल, दीवार में टकरा रही थी। द फ्लोर वन अनदर, और सभी बच्चे एक दूसरे पर गिर रहे थे। टीचर वाज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी सेव मी, टीचर अब टेबल के नीचे नहीं थे और वो अब टेबल के ऊपर थे और चिल्ला रहे थे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। द रेड स्नेक वॉज टेरिफाइड, सांप डरा हुआ था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर, सांप जो है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जा रहा था। द चिल्ड्रेन रैन द अपोजिट डायरेक्शन, और बाकी बच्चे सांप के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। फॉर अ फ्यू सेकेंड काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनी थिंग,
कुछ समय के लिए काली परेशान हो गया कुछ करने के लिए. His people, the Irula, always went toward snakes, not away from them. उसके जनजाति के लोग हमेशा सांपों की ओर जाते थे, उनसे दूर नहीं. Had everyone gone mad, he walked slowly to where the snake was. उसने क्या सभी पागल हो गए हैं? वो धीरे धीरे बढ़ा सांप की तरफ. He reached out his hand. Suddenly the room grew still, no sound, no movement. All eyes were on Kali. वो अपना हाथ सांप की तरफ बढ़ाया. अचानक पूरा क्लास शांत हो गया. कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं. सभी की आंखें काली पर थी. The rat snake, it was over 2 meters long, reached back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. Luckily it missed Kali's hand. सांप लगभग 2 मीटर लंबा था और अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाया हुआ और मुंह चौड़ा करके हिस्ट के साथ कह के आक्रमण कर दिया और किस्मत से काली बच गया. द बाइट ऑफ बिग रेट स्नैक इज़ वेरी पेनफुल. ये जो धामन सांप का जो काटता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. इस सांप के काटने से बहुत दर्द होता है. काली के दिमाग में ये बात था. दिस वाज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज द ग्रेब द स्नेक बिहाइंड द हेड. काली जब सांप को कब्जा में लेने जा रहा था, जकड़ने जा रहा था, तो उसके जहन में ये बात था. हिज अदर हैंड ग्रिप द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी. और दूसरा हाथ सांप के बॉडी को पकड़ने में लगा हुआ था. सून काली वाज ऑल रैप्ड इन अप इन द स्नेक. जल्द ही सांप को पूरी तरह से काली जकड़ लेता है. काली थाउट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रैट स्नेक इन. काली सोच रहा था कि उसे अगर एक बड़ा बैग मिल जाता है तो सांप को उसमें रख लेगा. ही टेक इट होम टू फादर. और वो ले जाकर अपने पापा को देगा. द वंडलूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रैट स्नेक. चेन्नई के समीप एक जू है, वंडलर जू. वहाँ पर अगर ये सांप को ले जाकर देते हैं तो वहाँ उसे अच्छा पैसा मिलेगा. हिट बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, जिससे वो अपने नन्ही बहन के लिए एक नया ड्रेस खरीदेगा. बट वाट वाज दिस नॉइज. लेकिन क्लास के नॉइज जो इतने थे वो कहाँ हो गए? वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है? वाज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या क्लास में कोई दूसरा सांप है? कन्फ्यूज्ड काली लुक्ड अप. काली कन्फ्यूज्ड होकर ऊपर देखता है. एवरी वन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग. सभी बच्चे खुशी से चिल्ला रहे हैं और ताली बजा रहे हैं. एंड देन दे वेयर चैंटिंग काली नंदरी, काली नंदरी, काली नंदरी, थैंक यू. काली नंदरी तमिल वर्ड है जिसका मतलब है कि धन्यवाद. यानी कि काली धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया. इट वॉज सो वंडरफुल. काली's आईज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस. काली के लिए ये खुशी का मोमेंट था. उसकी आँख खुशी से भीग जाते हैं. ही ग्राइंड एंड द क्लिपिंग ग्रू लॉडर. वो मुस्कुराता है, बड़ा सा मुस्कुराहट देता है. यू सेव्ड अस, शॉटेड वन ऑफ द बॉयज. एक बच्चा बोला कि तुमने मुझे, हम लोगों को बचा लिया. हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने बहादुर हो. फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी. अब से तुम मेरे बगल में बैठोगे. नो मी, दूसरा बच्चा बोलता नहीं, मेरे बगल में बैठोगे. एंड द चिल्ड्रेन स्टार्टेड क्वेरिंग अबाउट होम काली वुड सिट नेक्स्ट टू. सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे कि काली मेरे नज़दीक बैठेगा. तो दूसरा बच्चा बोलता कि नहीं, काली मेरा नज़दीक बैठेगा. हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, आस्ट रमेश टू द क्लास बली. क्लास में धौंस जमाने वाला बच्चा रमेश काली से पूछता है कि तुम्हें इतना बहादुर किसने बनाया? कम ऑन, मेरे पास आओ. नेम इट, वी विल गिव यू वाट एवर यू वांट. तुम्हें जो भी चाहिए हम लोग देंगे. वेल वाट आई वांट नाउ, ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए? काली ने जवाब देता है. रिप्लाइड काली, इज अ बैग, अ बिग वन. मुझे एक बड़ा सा थैला चाहिए. टू पुट दिस फेलो इन टू, सांप को उसके अंदर रखने के लिए. 10 चिल्ड्रेन रन ऑफ इन 10 डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स. 10 बच्चे 10 दिशा में बैग को ढूंढने भागे.
द अदर लुक्ड एट काली विथ एडमिरेशन, बाकी बच्चे काली को प्रशंसा की नज़र से देख रहे थे. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज काली सॉ द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क. काली जो है तिरछी नज़र से टीचर की तरफ देखता है जो अब डेस्क से नीचे उतर चुके हैं. द टीचर वॉक्ड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल. काली धीरे धीरे टीचर धीरे धीरे काली की तरफ चल कर आते हैं लेकिन अभी भी वो बहुत ही केयरफुल हैं. नॉट टू गेट टू क्लोज, काली के बिल्कुल करीब नहीं आए हैं. सिली चिल्ड्रेन ही स्कॉल्डेड, वाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ नन पॉइजनस स्नेक. बच्चों को वो डांट रहे हैं टीचर कि तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे थे सिर्फ एक विषहीन यानी कि अनन पॉइजनस स्नेक के लिए, यानी कि धामन सांप का जो ये होता है वो उसमें पॉइजन नहीं होता है. द टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क, और फिर टहलते हुए अपने डेस्क के पास चले गए. एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न, जैसे ही टीचर पीछे मुड़े काली एंड द चिल्ड्रेन ग्रिंड एट वन अनदर, सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे. सेक्रेट ग्रिंस, जिस तरह से क्लास में एक दूसरे को देखकर गिहनी मारकर हंसते हैं. द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, जो बच्चे आपस में फ्रेंड लोग जिस तरह की हंसी हंसते हैं. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ भेजूँगी.